बीजेपी के खिलाफ इंडिया की बैठक होने वाली है और उसके पहले अमरोहा से बीएसपी के सांसद दानिश अली ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सर, आपकी मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री से बीएसपी के सांसद मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। हम जब छात्र आंदोलन में थे तब से उनको मतलब ऑलमोस्ट 25 साल से ज़्यादा पुराने संबंध हमारे उनसे, बल्कि 30 साल से ज़्यादा इस पुराने संबंध हैं। हम पटना गए थे एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टिमेट्स की वहाँ बैठक थी, उसके लिए हम गए थे। तो जाहिर सी बात है, हम जहाँ भी जाते हैं तो जो अपने पुराने राजनीतिक संबंध वाले लोग होते हैं उनसे मिलते हैं। तो उसी कड़ी में हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की। उनसे वो दानी जी इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1 तारीख को गठबंधन की बैठक है, चर्चाएं ऐसी है कि अंदर खाने बहन जी की पार्टी मायावती जी और बीएसपी की बातचीत चल रही है, महागठबंधन का प्रारूप जो है उसमें उत्तर प्रदेश में ये शामिल होने की बात हो रही है जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके। देखिए, बीजेपी को हराया जा सके इसमें कहीं कोई भी वो नहीं है, उसके लिए सभी विपक्ष के राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात का सवाल है, उसमें आप ज़्यादा मायने मत निकालिए। मैं एक संसदीय बैठक के लिए पटना में गया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, घंटा भर बैठे हम लोग। एक मतलब क्योंकि पुराने जनता परिवार के हम लोग हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ भी लोग हैं वो उनसे एक रابطہ रहता है। लेकिन दानी जी, चूंकि हम आपके अमरोहा घूम रहे थे तो पिछली बार 15 सीटों पर सपा बसपा लड़ी 2019 में, तो आप लोगों को सफलता मिली। लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि वो गठबंधन क्या 2024 में अब बिल्कुल अलग रूप में है, तो क्या ये ज़रूरत है? अमरोहा में भी तो समीकरण लग रहा है कि नहीं, बीएसपी को आना चाहिए इस महागठबंधन में जो ध्रुवीकरण की राजनीति है। देखिए, बीएसपी को की रणनीति चुनाव में क्या होगी, किस गठबंधन में होगी, नहीं होगी, अकेले रहेगी, ये सब फैसले करने का अधिकार बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को है। वो इस पर अंतिम फैसला करेंगे, जो भी करेंगे। कांग्रेस को लेकर आप लोगों को लग रहा है सर कि वो अपनी भूमिका ठीक निभा रही है बीजेपी को हराने के लिए, जो मकसद आप लोगों का है कि किसी भी सूरत में 2024 में रोकना है मोदी को? मैं समझता हूँ कि सारे विपक्षी दल जो है सही भूमिका में है और बहुजन समाज पार्टी की भूमिका अहम रहेगी। चलिए, शुक्रिया। तो दानिश अली हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष का गठबंधन अभी सही लीक पर है, आने वाले वक्त में बहन जी की भूमिका निर्णायक होगी और उसका सबको इंतजार करना चाहिए। कैमरामैन ढिल्लन के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।